भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ अपने केबल नेटवर्क के SN चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। तो क्राइम मीडिया न्यूज में स्वागत है, मैं शमशेर खान। हमेशा खबरों के माध्यम से आपको जागरूक करते रहता हूँ कि किस तरह से चला। आपको बता दें कि भाजपा की जो लिस्ट है वो आ चुकी है, जिसमें भाजपा के उम्मीदवार के तौर पे अविनाश ब्राह्मणकर जी को उम्मीदवारी घोषित हो चुकी है। आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, किस तरह की उनकी लड़त रहेगी आज नाना पटोले विरुद्ध अविनाश ब्राह्मणकर जी जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सब क्या बताएगी किस तरह की आपकी लड़त रहेगी, कैसा रहेगा? देखिए, आने वाले चुनाव में सकोली विधानसभा क्षेत्र में लोगों जो सोचने का नजरिया है वो बदल चुका है। वो लोग यहाँ का जो मतदार है ये विकास चाहता है और विकास में उनको अच्छे दर्जे का शिक्षण, अच्छे दर्जे की सिंचाई की व्यवस्था, बड़े उद्योग धंधे, रोजगार, इन सभी चीज़ों की आवश्यकताएं हैं। और जब तक कि ये बड़ी चीज़ें नहीं होंगी हमारे एरिया में, तब तक कि ये विकास के मार्ग पर चल नहीं सकता। और पिछली 25 साल से सभी लोगों ने पूरा विश्वास नाना बहू पे डाला था, जो हमारे आमदार साहब हैं उनके ऊपर विश्वास डाला था, लेकिन वो ये सभी प्रकार की विकास की योजना अपने क्षेत्र में लाने में असफल रहे। और उसी के कारण ये आने वाले विधानसभा के चुनाव में लोग भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से चुन के देंगे और अपना जो उम्मीदवार है या अपना जो आमदार है वो बदले बगैर इस बार रहेंगे। भाव ये बताओ कि जैसे अभी माना जा रहा है कि भूमि पुत्र के नाम से जाना जाता था और अभी भावी मुख्यमंत्री के नाम से कांग्रेस बड़ी घोषणा कर रही है, ये सारी चीज़ चल रही है, इसमें आपको एक बड़ी व्यक्ति से लड़त है और आप काफ़ी वर्षों से कार्यकर्ता रहे गए और काफ़ी लोगों से जुड़े हुए जमीन से, तो ये किस तरह से रहेगा? देखिए, मैं यहाँ पर जो काम करता हूँ या हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करते हैं, तो इस मतदार संघ के लोगों के लिए काम करते हैं। आप क्या बनना चाहते हो ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन हम लोग जब सोचते तो हमारे यहाँ का युवा क्या बना, हमारे यहाँ का किसान क्या बना, ये लोग हम सोच रहे। और जब इनके ज़िंदगी में कोई बदल नहीं आ रहा है पिछले 25 साल से, तो आप क्या बनोगे इससे कोई लोगों को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी तक अगर नहीं हुआ 25 साल में तो आगे भी कभी होगा नहीं, ये लोगों की सोच है। भाव पिछले वक्त जो है पर इन्हें पुके वर्सेस नाना पटोले के, जिसमें 7000 कुछ मतों से लेकर नाना भाव ने विजय हासिल किया था। पिछले बार भी नाना भाव का कुछ बहिष्कार वर्ज को किया गया था, इस बार भी सुना जा रहा है कि नाना भाव का बहुत बार बहिष्कार रहेगा, तो क्या आप किस वजह से देखते हैं? नाना भाव के बहिष्कार के बारे में मैंने कुछ अभी तक मेरे को डिटेल्स मालूम नहीं। हम लोगों की एक परिवर्तन यात्रा चल रही थी जिसमें मैं काफ़ी व्यस्त था, तो ये बहिष्कार की जो बात बोल रहे आप नाना भाव के, अभी की लेटेस्ट न्यूज़ है अर्जुन उम्मीदवार वापस लेके जाओ कांग्रेस को बचाव करके, ऐसा अभी ब्रेक नहीं, उसके बारे में मोरगांव अर्जुन में की स्थिति मेरे को नहीं मालूम, लेकिन जो कुछ भी मैंने सुना है तो वो कुछ बाहर के कैंडिडेट रहने के कारण वहाँ का जो स्थानिक मतदार है या कार्यकर्ता है वो लोग नाराज़ हैं, ये मैंने सुना। देख सकते हैं कि अब भाजपा वर्सेस कांग्रेस एक अच्छा उम्मीदवार भाजपा ने खड़ा किया है ताकि उम्मीदवारी को काफ़ी अच्छे से लड़ा जा सके। देखना है कि किस तरह का गोंदिया विधानसभा का सत्र रहेगा। मैं शमशेर खान, क्राइम इंडिया न्यूज़, भंडारा। भंडारा जिले में भंडारा और तुमसर विधानसभा सीट के लिए सोमवार को महाविकास आघाड़ी तथा महायुति के उम्मीदवार शक्ति प्रदर्शन के साथ अपने नामांकन भरेंगे। इसी के साथ ही निर्दलीय भी अपने नामांकन भरने वाले हैं। जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह 10 बजे महाविकास आघाड़ी की भंडारा सीट के उम्मीदवार पूजा ठौकर शक्ति प्रदर्शन के साथ अपना नामांकन भरेंगे। इस समय कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगे। इससे पूर्व शहर के संताजी मंगल कार्यालय से रैली निकाली
निकालेगी जो गांधी चौक से मेन रोड होते हुए उपविभागीय अधिकारी कार्यालय में पहुंचेगी। इसी तरह शिवसेना उबाटा के विधानसभा प्रमुख नरेंद्र पहाड़े भी भंडारा सीट के लिए नामांकन भरेंगे, जो अपने समर्थकों के साथ शहर के जलाराम चौक से सुबह 10 बजे रैली निकालेंगे। तो तुमसर में महायुति के उम्मीदवार राजू कारेमोरे शक्ति प्रदर्शन करते हुए रैली निकालेंगे। यह रैली भंडारा रोड के जनसंपर्क कार्यालय से सुबह 10 बजे आरंभ होगी। इस रैली में सांसद प्रफुल्ल पटेल, विधायक डॉक्टर परिणय फुके, पूर्व सांसद सुनील मेंढे, पूर्व विधायक राजेंद्र जैन, डीबीसीसी बैंक के अध्यक्ष सुनील फुंडे उपस्थित रहेंगे। इसी तरह से महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार चरण वाघमारे की रैली भंडारा रोड के जनसंपर्क कार्यालय से निकलेगी, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए तहसील कार्यालय पहुंचेगी। इस रैली में राकापा शरद पवार नेता अनिल देशमुख के साथ साथ महाविकास आघाड़ी के नेता व पदाधिकारी उपस्थित रहने की संभावना है। भंडारा पवनी विधानसभा क्षेत्र से महाविकास आघाड़ी की ओर से कांग्रेस की पूजा ठवकर ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। इससे पहले भंडारा शहर के संताजी मंगल कार्यालय में महाविकास आघाड़ी के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में भीड़ जमा हुई थी। वहां कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। महाविकास आघाड़ी के सैकड़ों समर्थकों की मौजूदगी में कांग्रेस उम्मीदवार पूजा ठवकर ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपनी उम्मीदवारी दाखिल की। भंडारा जिले के साकोली में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारी की खींचतान आखिरकार आज खत्म हो गई है। बीजेपी ने भंडारा के साकोली से अविनाश ब्राह्मणकर की उम्मीदवारी की घोषणा की है। अविनाश ब्राह्मणकर कल ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भंडारा जिला परिषद के गट नेता थे। अविनाश ब्राह्मणकर को एक कुनबी चेहरे के तौर पर देखा जाता है। साकोली में अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले और बीजेपी के अविनाश ब्राह्मणकर के बीच सीधा मुकाबला होने जा रहा है। सर्वात आधी तो मैं साकोली विधानसभा क्षेत्राच्या सर्व मतदारांना, सर्व आमचे कार्यकर्ते, भारतीय जनता पार्टीचे सर्व नेते मंडळी सगळ्यांना मी मनापासून नमस्कार करतो आणि सगळ्यांचे मी आभार मानतो की भारतीय जनता पार्टीने माझ्यावरती विश्वास ठेवून मला या साकोली विधानसभा क्षेत्राची उमेदवारी दिलेली आहे। खऱ्या अर्थाने ही जी निवडणूक आहे ही विकासासाठी सुरू असलेली लढाई राहणार आहे। मागच्या 25 वर्षापासून अनेक क्षेत्रांमध्ये साकोली विधानसभा क्षेत्र हा मागे पडला आहे। ते सिंचनाचं क्षेत्र असो, ते शिक्षणाचं क्षेत्र असो, उद्योगधंद्यांचं क्षेत्र असो, रोजगाराचं क्षेत्र असो, या सर्व क्षेत्रांमध्ये अपेक्षित असं कोणतंही काम या भागामध्ये झालेलं नाही आणि म्हणून एक निराशाजनक वातावरण या साकोली विधानसभा क्षेत्रातल्या तरुणांमध्ये आहे, शेतकऱ्यांमध्ये आहे आणि याचाच एक परिणाम हा येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये येणार आहे। आतापर्यंत जे आमदार होते आमच्या भागातले त्यांनी या काही क्षेत्रांमध्ये लक्ष न दिल्यामुळे लोकांच्या मनामध्ये नाराजगी आहे आणि हेच मुद्दे आम्ही येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये उचलणार आहे। आणि मला सरळ सरळ दिसतंय की येणाऱ्या या साकोली विधानसभा क्षेत्राच्या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टीचा विजय हा निश्चित आहे। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर होकर केवल 2 दिन ही शेष है, परंतु अब तक प्रमुख राजनीतिक दलों के घोषित अधिकृत उम्मीदवारों में से कुछ ही उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं, जिससे नामांकन भरने की अंतिम 2 दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के साथ साथ चुनाव लड़ने के इच्छुक बागी तथा निर्दलीय उम्मीदवार अपने नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, जिससे चुनाव निर्णय अधिकारियों के कार्यालय के सामने प्रमुख राजनेताओं पदाधिकारियों के साथ
साथ साथ कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ रहेगी। जानकारी के अनुसार आमगांव विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार संजय पुराम तथा कांग्रेस पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार राजकुमार पुराम दोनों ने ही अब तक नामांकन नहीं भरा है, जबकि गोंदिया सीट से भाजपा उम्मीदवार विनोद अग्रवाल ने 24 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल किया है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार गोपाल दास अग्रवाल 29 अक्टूबर को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसी तरह तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार विजय रहांगडाले सोमवार 28 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे, जबकि महाविकास आघाड़ी के राकापा शरद पवार गुट के उम्मीदवार रविकांत बोपचे 29 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे। अर्जुनी मोरगा विधानसभा सीट से राकापा के अधिकृत उम्मीदवार पूर्व मंत्री राजकुमार बडोले 28 अक्टूबर को अर्जुनी मोरगांव में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार दिलीप बंसोड 28 अक्टूबर को शक्ति प्रदर्शन के साथ अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि वे इससे पूर्व भी नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं। इसी तरह 28 अक्टूबर को बड़ी संख्या में निर्दलीयों द्वारा नामांकन भरे जाने की जानकारी मिली है, जिसे देखते हुए चुनाव अधिकारी कार्यालय के समक्ष सोमवार एवं मंगलवार को बड़ी संख्या में उम्मीदवारों एवं उनके समर्थकों का मजमा लगा रहेगा। गोंदिया जिल्ह्यातील मोरगा वर्जुनी विधानसभेत काँग्रेसने तिरोड्याचे माजी आमदार दिलीप बनसोड यांना उमेदवारी दिली आहे। बाहेरचा उमेदवार दिल्यामुळे नाना पटोले यांची गाडी स्थानिक इच्छुक उमेदवारांनी रोखून धरली होती। स्थानिक उमेदवारांनी काय चुकी केली नाना भाऊ, असा सवाल यावेळी काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी विचारला व नाना पटोले यांच्या ताफ्यासमोर आडवे झाले। पोलिसांनी नाना पटोले यांना सध्या सभास्थळ पर्यंत नेले आहे, मात्र कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड रोष असून ते सभास्थळाच्या बाहेर थांबून आहेत। पुन्हा एकदा राडा होण्याची शक्यता दिसून येत आहे। क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात।
लो प्रेशर चैनल से 500 फीट एल्युमिनियम तार अज्ञात चोरों ने चुरा कर ले जाने की घटना गोबरवाही थाना अंतर्गत पांगड़ी खेत परिसर में घटी। गोबरवाही पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज किया। चोरी की नीयत से अंधेरे में छिपे आरोपी के खिलाफ तुमसर पुलिस ने कार्रवाई की। पीपरा निवासी रविंद्र मोहन गोपाले उम्र 40 वर्ष तुमसर के संत जगनाड़े वार्ड में अपना अस्तित्व छिपाकर बैठा हुआ था। पुलिस ने दो स्थानों पर बिना लाइसेंस अवैध रूप से रेत परिवहन कर रहे वाहनों पर कार्रवाई की और लाखों रुपयों का माल जब्त कर आरोपियों पर मामला दर्ज किया। नहर में मछली पकड़ने गए युवक की नहर में डूबकर मौत होने की घटना घटी। मृतक का नाम खैरी दीवान निवासी कृणाल रमेश शहारे उम्र 24 वर्ष है। शिकायत पर पौनी पुलिस ने मामला दर्ज किया। मुरुम की अवैध खनन मामले में दो लोगों के खिलाफ कार्रवाई साकोली पुलिस ने की। पुलिस ने मुरुम और ट्रक जब्त कर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। बाइक से गिरकर गंभीर रूप से घायल हुई महिला की नागपुर के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक महिला का नाम मांडवी निवासी ज्योत्सना संदेश बडोले उम्र 36 वर्ष है। कारधा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। सड़क किनारे खड़े दो ट्रकों से 120 लीटर डीजल चोरी की घटना घटी। तुमसर पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। तुमसर पुलिस मामले की गहन जाँच कर रही है।